नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई मैं अभी गांव में हूँ, जैसे कि आपको पता है कि कॉलेज बंद हो रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अभिषेक चौहान है, मैं वैसे अक्की नाम है घर का। और भाई मैं एक किसान का पुत्र हूँ, वैसे मैं प्रोफेशन से अगर देखा जाए तो एक यूट्यूबर भी हूँ और इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो चलिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि गन्ना कैसे लगाते हैं। तो गन्ना लगाने का पहले क्या होता है, पहले ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही होगी, तो पहले क्या होता है, जो गन्ना होता है ना, ये गन्ना आप देख रहे हैं, तो गन्ने को क्या करते हैं कि हाथ से इसकी पत्तियां जो है उसको छील लेते हैं और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको काट लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर कुछ बीज होते हैं, वो जैसे आप देख रहे होंगे ना ये चीज़, ये अभी ये दिख रही होगी, इसको आँख बोलते हैं। और इसी से जो है गन्ना उगता है, जो दूसरा गन्ना आता है। तो क्या होगा, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ऐसे हमने गन्ने पहले से छील रखे हैं और उनको हमने चार हिस्सों में काटा है, उसके बाद ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, वो सब मैं प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ आपको, छुप छुप के वीडियो बनाऊँगा क्योंकि पापा ने देख लिया तो भाई ऐसे में दिमाग तो ऐसे ही ख़राब रहता है, और फिर दूसरा आदमी काम ना करके कैमरा उठाए फिरे तो आप समझ सकते हो क्या हाल होता होगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ। देखो इसमें दवाई भी लगा रखी है, ये दवाई जो भी बछरा हो ना वो गेरना फूड। ये देखो लड़कों क्या काम चल रहा है, इधर काट लिया जाता है इतने इतने हिस्से में और इनको बिल्कुल साइड करके ऐसे बो दिया जाता है, पूरी पूरी जगह जैसे बन रही है ना, ये सारी जगह ऐसे ही लगा दिया जाता है गन्ना। फिर ये खेत पूरा हो चुका है, दूसरे में काम भी चल रहा है। तो अभी क्या होगा कि भाई अभी ये जो सारा खेत बो गया है ना, इसके ऊपर मिट्टी देंगे, तो मिट्टी ऐसे देते हैं, देखिए ये इसके पीछे, इसको मैड़ा बोलते हैं वैसे, और इस पर बैठ के मतलब इस पर खड़े हो जाते हैं और ऐसे पूरा मिट्टी दे देते हैं, जिससे जो भी है ना गन्ना वो ढक जाए, एक उसके ऊपर लेयर आ जाए एक मिट्टी की, ताकि जर्मिनेशन में उसको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए जैसे ये पूरा पूरा गन्ना है ना, तो ये बैठी है जो ठेकेदार की वाइफ है, तो भाई ये ऐसे काट रही हैं छोटे छोटे पीस में, और ये ही जो छोटे छोटे पीस हैं ये ही बुनते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें अगर पूरा गन्ना गिर देंगे तो सही नहीं होगा। उसके बाद आता है ये, देखिए सब खाना खा रहे हैं अभी, जब बू जाते हैं तो खाना खाते हैं, खस्ता हो चुकी है अभी वही, क्योंकि भाई पूरा तगड़ा काम चल रहा है। और हमारे जो है ना, मतलब हम तो बोते नहीं, हमने आदमी जो हमारे ठेकेदार है भाई वही सब कुछ करता है यहाँ। और भाई यार बहुत महंगा है भाई, कई सौ रुपये बीघा लेते हैं बोने का, तो हम अभी 6 बीघे जो है वो बोएंगे। इधर ये देखिए ये भी अपनी खेत है, मैं अभी पानी देखने आया था, क्योंकि दिखाता हूँ तुम्हें, अभी जवी होती है एक जवी, उसमें पानी लगा रखा है, और दूसरा उसके आगे वाला खेत है वो है उसका गेहूं का खेत दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ गेहूँ कैसे लगते हैं। चलिए ये वाला खेत दिखा देता हूँ, ऐसे लगते हैं गेहूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ, इसकी एक पूरी बाली होती है और यहाँ पे इसमें पूरा अंदर गेहूं है, तो अभी ये कच्चा है, जब पक जाएगा तो इसके अंदर से गेहूं निकलेगा, फिर वही कटवाएंगे, सब कुछ होगा, तब जाके वो खाने लायक गेहूं जो है आप तक पहुंचता है। और भाई मैं अभी सांस चढ़ रहे यार तो चलिए मैं चलता हूँ और आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अभी खेत पूरा नहीं बुआ गया और आपने देख ही लिया होगा कि भाई कैसे कैसे बुआ जाता है, तो चलिए और क्या ही दिखाऊँ आपको, और तो सब कुछ जो कुछ नया होगा तो दिखा दूँगा, पर ना इस वीडियो में बस इतना ही था। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और बस मज़े करिएगा, और किसान की ज़िंदगी देखो क्या होगी, पूरे गन्ना जो है ना वो गिर चुका है और मील भी बंद हो चुका है, तो कहाँ इतना सारा गन्ना खड़ा कहीं लाख का, तो इसे भी हमारे नहीं मतलब लोगों का खड़ा, कहीं कहीं लाख के गन्ने खड़े, तो कहाँ जाएंगे, मार्केट भी बंद होगी, मील भी बंद हो गए, छोलने वाला भी कोई नहीं, चरखियाओं का भी भाव बहुत कम है। तो चलिए बस करते हैं वीडियो को यहीं ख़त्म, जो होगा वो देखी जाएगी, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, बाय।